हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएम नॉलेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन को पहले से फास्ट चार्ज कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपका भी फ़ोन स्लो चार्ज होता है तो आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए। इस वीडियो में जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उसकी मदद से आप अपने फ़ोन को पहले से फास्ट चार्ज कर लेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस बेल आइकन को दबा दें, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ एग्जैक्ट उसी टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले ट्रिक्स, जब भी आप अपना फ़ोन चार्ज करें तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन से एरोप्लेन मोड ऑन कर लें। एरोप्लेन मोड यानी फ्लाइट मोड आपको ऑन करने के लिए आपको नोटिफिकेशन पैनल को नीचे करना होगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एरोप्लेन नाम से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपको इसे इनेबल कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे इनेबल करेंगे, इसे आपकी सिम कार्ड ऑफ हो जाएगी और उसके बाद आपके फ़ोन के बहुत सारे फंक्शन बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी बैटरी कम ड्रेन होगी और फास्ट चार्ज होगी। दोस्तों, दूसरी टिप, जब भी आप अपने फ़ोन को चार्ज करें तो सबसे पहले आप अपना बैटरी सेवर मोड ऑन कर लें। दोस्तों, बैटरी सेवर मोड लगभग 90% फ़ोन में अवेलेबल हो चुका है, तो आप इसे आसानी से सेटिंग से इनेबल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन सर्च करना है बैटरी वाला, यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप बैटरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको पावर पे क्लिक करना है और पावर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा बैटरी सेवर का, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ से इसे ऑन कर लेना है। बैटरी सेविंग मोड ऑन करने से आपकी बैटरी फास्ट चार्ज होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका फ़ोन सेविंग मोड में होगा, तो जिसकी वजह से आपकी बैटरी कम ड्रेन होगी और आपका फ़ोन फास्ट चार्ज होगा। तो दोस्तों, जो तीसरी टिप्स है, बहुत ही कॉमन टिप्स है, जब भी आप अपने फ़ोन को चार्ज करें तो आप अपना ओरिजिनल चार्जर इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप किसी लोकल चार्ज से अपने फ़ोन को चार्ज करेंगे तो डेफिनेटली आपका फ़ोन स्लो चार्ज होगा। तो जब भी आप अपना फ़ोन चार्ज करें तो ओरिजिनल चार्जर का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपका फ़ोन फास्ट चार्ज हो। दोस्तों, जो चार नंबर की टिप्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है, अगर आप अपने फ़ोन को चार्ज करना चाहते हैं फास्ट, तो ये टिप्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी सेटिंग को ओपन करना होगा और सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन सर्च करना होगा अबाउट फ़ोन। तो अगर आप एमआई का फ़ोन यूज करते हैं तो सबसे ऊपर आपको अबाउट फ़ोन वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद अगर आप कोई अदर फ़ोन यूज करते हैं तो आप में एक ऑप्शन आएगा बिल्ड नंबर, बिल्ड नंबर पे आपको 7 बार टैप करना होगा, लेकिन मैं एमआई का फ़ोन यूज करता हूँ इसलिए मेरे में एमआई यूआई वर्जन है, तो यहाँ पे मुझे 7 बार टैप करना है। अगर आप कोई दूसरा फ़ोन यूज करते हैं तो आपको बिल्ड नंबर पे 7 बार टैप करना है, तो मैं यहाँ पे 7 बार टैप करता हूँ और उसके बाद दोस्तों नीचे लिखा आएगा यू आर नाउ ए डेवलपर, तो उसके बाद आपको बैक चले आना है। अगर आप एमआई का फ़ोन नहीं यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन आपको मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन का, यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एमआई का फ़ोन यूज करते हैं तो आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है। एडिशनल सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन का, यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको डेवलपर ऑप्शन ओपन करना है। डेवलपर ऑप्शन ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलेगी सेलेक्ट यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों, बहुत से फ़ोन में पीटीपी पे सेट रहता है जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आपको चार्जिंग मोड पे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं चार्जिंग पे सेलेक्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों, जैसे आप चार्जिंग वाले मोड को सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपका फ़ोन पहले से 20-25% फास्ट चार्ज होगा। तो दोस्तों, ये थी चौथी ट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसका इस्तेमाल करके आप अपने फ़ोन को फास्ट चार्ज कर सकते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनके तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए हेल्पफुल और यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।